हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो लेके आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शंस किए हैं, जिसमें इंडियन सिटीज़ और ज़्यादा जो मैंने चीज़ देखी है, इंडिया में जो प्रोग्रेस हो रही है, जो इंडिया तरक्की कर रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो नई नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उस हवाले से तो आज की वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इमर्जिंग इंडिया ग्लोइंग इन नाइट्स 2023, और चैनल का नाम है जनाब मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स। ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ये वीडियो देखते हैं जनाब के इंडिया लाइट्स में किस तरह से ग्लो कर रहा है, फिर इस पर बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते। तो जनाब चैनल सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग एंड एमर्जिंग इंडिया, दिस इज इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। ब्यूटिफुल, दिस इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, बाय एरिया के हिसाब से सेवंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ब्यूटिफुल यार, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी। ये तो ऐसा लग रहा है मैं मैनहट्टन को न्यूयॉर्क देख रहा हूँ, इंडिया का जिस तरीके से ही, मतलब ये ग्लोइंग इन लाइट्स। नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अच्छा दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी इन द वर्ल्ड। क्या बात है यार, इंडिया हैज एन एक्सपेंडिंग आईटी इंडस्ट्री विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आईटी में बहुत काम कर रहा है इंडिया, इसमें कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है। इंडिया इज द फेडरल, अच्छा नाउ इंडिया आल्सो हैज वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, रेल ब्रिज में का दुनिया का हाईएस्ट हो इंडिया में, ठीक है। इंडिया हैज अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड द ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन बाय क्रिकेट, नो डाउट स्पोर्ट्स में इंडिया ने बहुत काम किया। क्रिकेट में जो है ना वो आपको नजर आती है वो चीज़ें, स्पोर्ट्स के हवाले से इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स और ये ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे काम हुआ है। इंडिया हैज़ अ यंग पॉपुलेशन कंपेयर टू मोर डेवलप्ड नेशंस, यानी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बहुत परसेंट लोग हैं जो कि जिनकी एज अंडर 30 है, जो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा ठीक है, ये थी वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो थी, इमर्जिंग इंडिया एंड ग्लोइंग लाइट्स है। लेकिन इस शॉर्ट सी वीडियो में ये वो कहते हैं ना कि कूजे में पूरा दरिया बंद कर देना, इस शॉर्ट सी वीडियो में उसने पूरा बता दिया इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है। और पीछे बहुत खूबसूरत सी जो क्या कहते हैं बिल्डिंग्स और जो इंडिया के जो खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो वीडियोज हैं जो कि लाइट्स में बनी हुई थी, अंधेरे में बनी हुई थी, और ये ड्रोन व्यूज थे, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक मजे की बात यह है कि इंडिया एक जो शोभा होता है उसमें हाली तरक्की नहीं कर रहा, बहुत से शोभों में तरक्की कर रहे हैं, जिसमें आईटी में के हवाले से बात हो, आईटी के हवाले से मैं पहले ही बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो इंसाना इसमें प्रोग्रेस हो रही है। उसके अलावा बहुत सी कंपनीज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उनके ऑफिस इंडिया में है। अगर उनकी अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो गूगल, अमेजोन, उसके बाद याहू, और भी ऐसी बहुत सी कंपनीज उनके ऑफिस इंडिया में है। उसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों की, गाड़ियों की बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं। उसके बाद फोन्स की बात की जाए, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन फोन्स की उनके ऑफिसेस इंडिया में हैं, उनके सेटअप इंडिया में, वो फोन मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हैं। उसके बाद यार एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी देखने में नजर आ रही है, अचानक से इंडिया ने जिसमें बूस्ट लिया वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बन चुका है आज के दौर में, जैसे आप समझते हैं ये एक ग्लैमर है, एक इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स में इंडिया ने बहुत काम किया, हाली क्रिकेट में तो काम किया इंडिया ने वो नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जो स्पोर्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा काम किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप ओलंपिक्स में देखें
पहले ऐसा होता था कि ओलंपिक्स और ये कॉमनवेल्थ गेम, इन इन गेम्स में ना ये एशियन यहाँ पे बहुत कम, एशियन से मुराद ये हमारा ये जो हिस्सा है ये इंडिया पाकिस्तान का जो बरिसगीर का हिस्सा था, यहाँ से जो देसी लोग हैं यहाँ से कोई मेडल वगैरह बहुत कम होते थे, वो एक आधुका ही लेता था। तो ज्यादा मेडल या तो चाइनीज ले जाते थे या जैपनीज या कोई गोरे वगैरह जिनसे ना उनको वहाँ पे मेडल्स मिलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंडिया में जनाब इन चीज़ों पर काम किया है और ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में और इस तरह की जितनी भी गेम्स होती हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेडल्स लिए गए हैं और आने एक वक्त के साथ साथ ये मजीद इनमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये जनाब मुल्क जो है तब बनता है जब वो हर शोबे में काम करे, यानी कि एक ही चीज़ पे काम करता रहे, उस पे चलता रहे, आगे जाता रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। मुल्क ग्रेट तब बनते हैं, मुल्क बड़े तब बनते हैं, मुल्क एक सक्सेसफुल जो कंट्रीज़ होती हैं वो तब बनती है जब वो हर शोबे को साथ लेके चले, हर शोबे को जनाब एक साथ आगे बढ़े और उनको आगे लेके जाए। तो ये था जनाब इमर्जिंग इंडिया ग्लोइंग इन लाइट्स। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, बातें करने को अगर इस हवाले से करना शुरू कर दें तो 2 घंटे भी गुजर सकते हैं, लेकिन यह कि टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो 3 मिनट की वीडियो में मेरा ख्याल है 4-5 मिनट का जो रिएक्शन था, रिएक्शन से मुराद उस पर जो डिस्कशन थी वो इनफ है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए।